स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सुधांशु त्रिवेदी डिस्ट्रॉयड, अभय दुबे सीएए, राहुल गांधी रोस्ट, पीएम मोदी बीजेपी लेटेस्ट डिबेट, मिस्टर पांडा के चैनल की ओर से वीडियो है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। स्पेशल सेशन जो बुलाया महिला आरक्षण के ऊपर, फिर स्पेशल सब विभाग दिखाए जो लागू नहीं कर पाए, और मानसून सेशन में लाए नहीं थे, 9.5 साल से लाए नहीं थे, वो उससे भयाक्रांत होकर के लाए। देखिए मोदी जी का 9.5 साल का, मुझसे ज्यादा इतने सीनियर पत्रकार भी हो आप, 9.5 साल से मोदी जी जो लाते हैं फिर उसके बाद भूल जाते हैं, एक कदम आगे करते हैं फिर दो कदम पीछे, किसान बिल लाए फिर रातों रात गायब हो गए, उसको हटा दिया, किसानों के शहीद करा दिया। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ये जो मैंने इसलिए कहा, एक आपके जैसे बड़े राइटर हैं, उनका नाम मैं नहीं ले रहा, उन्होंने ही लिखा था लोकतंत्र पे मूर्ख तंत्र हावी, उसी का मैंने प्रयोग किया उन शब्दों का। तो आज की तारीख में जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद कर्नाटक की जीत हुई, घोसी में यूपी में इनके चुनाव उपचुनाव हारे, ऐसी हालत देश के अंदर हो चुकी है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है किस प्रकार से चुनाव जीते। मुझे लग रहा है मुद्दा तो आपको भी नहीं मिल रहा कि जनता का तो यही मत है कि ये चुनावी फॉर्मूला है, इनके पास कहने को कुछ नहीं है, बस ये चाहते हैं कि मोदी हटाओ का अगर कोई फॉर्मूला है तो उसमें ये जाति जनगणना लगाकर देख लेते हैं, शायद यही हिट हो जाए, क्योंकि इनके पास कोई श्योर शॉट फॉर्मूला तो नजर नहीं आ रहा। आज विजयदशमी का ये पावन पर्व है, मगर ये लोग तो तमाम ऐसे भी लोगों के साथ खड़े रहते हैं जो रावण के समर्थन में बात करते हैं। नाविका जी याद करिए, बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हुई इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म तमिलनाडु में, जो कि इनके INDIA गठबंधन के प्रमुख घटक, या यूं कहें दक्षिण भारत में सबसे बड़े प्रमुख घटक के साथ रही, जिसके ऊपर कांग्रेस एक प्रकार से मौन साधन। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, हो सकता है वो एक कॉन्फ्रेंस थी, मैं क्यों कह रहा हूं, यानी ये इको हो रहा, जरा ठीक करवा दीजिएगा, वक्तव्य नहीं था, एक कॉन्फ्रेंस थी। तो हो सकता उस कॉन्फ्रेंस से विचार निकला हो कि हिंदू धर्म का समूल नाश करना, ये हिंदी में हुआ, तो उसकी एक प्रक्रिया इसके द्वारा शुरू, क्योंकि तो बहुत सारी एक्टिविटीज के द्वारा चल रहे हो। इसलिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी वरुण जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पॉलिटिक्स के नैरेटिव परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं, मगर जनाब जमीन आसमान बदल जाता है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो पहला सवाल ये है कि जातिगत जनगणना रोकी किसने थी? गाड़ी ब्रिटिश टाइम तक तो होती थी ना, जब 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई तो किसने रोकी? नेहरू ने रोकी ना, नेहरू की सरकार ने समाप्त किया। तो पहले एक बार कहो कि नेहरू बेकार, नेहरू गलत, मैं सही या कम से कम इतना ही कह दो भाई कि नेहरू अप्रासंगिक, हम गलत। फिर उसके बाद इंदिरा जी के जमाने में हमें तो बचपन का नारा याद है, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब अगर सुन रहे होंगे, और ये बात 6 दिसंबर 1990 को मंडल कमीशन के बारे में पार्लियामेंट में बोलते समय स्वर्गीय राजीव गांधी ने कोट की कि कांग्रेस का नारा था जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और आज चाहे राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, नेहरू जी जब घर बैठे होंगे स्वर्ग में, तो अपने मूड को धर के हाथ पे सोचते होंगे ये क्या ले आया पार्टी को फुटपाथ पे। ये जबरदस्त है भाई, मैं तो साफ पूछना चाह रहा हूं, पहले एक बार आप कह दीजिए राजीव जी गलत, इंदिरा जी गलत, नेहरू जी गलत, तब हम विचार, क्योंकि जिसने बंद करवाया वही दोबारा चालू करने की बात कर रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मोदी जी की सरकार ने दिलवाया, आज सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं केंद्र की सरकार में, तो हमारी सरकार में है, हमने उत्तर भारत में जब जब हमें सत्ता मिली सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए, पिछड़े वर्ग का पहला प्रधानमंत्री जो जनता के द्वारा नैसर्गिक रूप से चुनकर सामने आया वो मोदी जी के रूप में हमने दिया। भाई हम तो ये पूछना चाह रहे हैं आपने किया क्या, जरा ये तो बता दो, और कितनी समझदारी है। एक लाइन और बोल दूं, बताइए पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि सेक्रेटरीज में से मैं देखना चाह रहा था कितने ओबीसी हैं, मेरे भाई आज जो सेक्रेटरी वो 1992 और उससे पहले के बैच के हैं, यानी 92, 91, 90, तब बताओ ना तुम्हारी सरकार थी कितने तुम्हारे आपने ओबीसी बनाए थे। वाह मोदी जी वाह वाह। हाय मिस्टर पांडा,
दोस्तों, दो तीन महीने पहले आपने देखा होगा कि अचानक कांग्रेस ओबीसी की बात करने लगी है। इससे पहले वो लोग कभी इसके बारे में बात नहीं करते थे। अब इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि बीजेपी की जीत के पीछे 2014 से जो बीजेपी का आधार बढ़ रहा है, उसके पीछे जो मोटे मोटे तौर पे जो वोटर्स हैं वो ओबीसी के ही हैं। खास करके यूपी में आपने देखा कि 4 चुनाव जीते बीजेपी ने, वो भी फुल मेजॉरिटी के साथ। तो कांग्रेस को यह लग रहा है कि अगर बीजेपी को हराना है तो ओबीसी को वहां से हटाना होगा, उनके वोट बैंक से अलग करना होगा। और दूसरा रीजन यह है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक था यूपी में, जो आधार था, उसका रीजन यह है कि कांग्रेस को ओबीसी के ही वोट्स मिलते थे जो बाद में बीजेपी को शिफ्ट हो गए। और कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि कैसे मुसलमानों को कंसोलिडेट कर दिया जाए ताकि वो एक तरफा वोट दे, और जो हिंदू हैं, जो हिंदू वोटर्स हैं बीजेपी की तरफ, उनको आपस में लड़ा के हिंदुओं को जाति में बांट दिया जाए और जो ओबीसी कम्युनिटी है वो बीजेपी को वोट देना बंद कर दे। यही एक रास्ता है जिसकी मदद से बीजेपी हार सकती है। बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। तो याद रखिए, हिंदुस्तान का युवा अब याद रखिए, जैसे ही आप स्विच दबाते हो, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, बिजली का पंप हो, याद रखिए अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है। ढोकले के औलाद, ये कौन सी फिल्म लाया है? वर्षाती साहब बोल दीजिए ना, बंधकों को रिहा करें, हमास आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो मासूम लोगों को क्यों बंधक बना ले गए? मुसलमान निहत्ते बच्चे बूढ़े इसराइल ने शहीद किए। मैं कहता हूं कि इसराइल की बर्बरता की आप उतनी निंदा नहीं कर रहे हैं। इसराइल ने जो 40-50 साल से तांडव किया है, आज केमिकल हथियार डाल करके बच्चों को मार रहा है, गाजा में घुस करके पूरा तहस नहस कर रहा है, हजारों लाखों लोगों के घर को इसराइल ने कभी पहला हमला नहीं किया है। बिकॉज पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, उसको जो छेड़ा गया है उसका उसने जवाब दिया। नहीं, आप जर्नलिज्म कहां से किया? अरे नहीं, मुझे तो आपके जर्नलिज्म पर शक हो रहा है। तू है कौन रे? इसराइल लोगों में घुसता है और कब्जा करता है, वो तो आपको नहीं दिख रहा? पहला हमला नहीं किया है आपको, उसने आपके ऊपर हुए हमलों का जवाब दिया है। अरे बिल्कुल किया है। मैं पहले ही अपने कर्स में बोल चुका हूँ कि आतंकवादी गतिविधियों का हम कंडेमनेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर देश आज खड़ा है, हमास जो कर रहा है, पूरी दुनिया खड़ी है। जो इसराइल पर अटैक हुआ, आप उसे आतंकवादी हमला तो कम से कम मानते हैं ना सर? आप उसे आतंकवादी हमला कहेंगे ना? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने या प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी मर्तबा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपने ट्वीट के जरिए या अपने स्टेटमेंट के जरिए हमास का अल्फाज भी यूज किया है क्या? हमास का नाम तक लिया है क्या उन्होंने? वारिस पठान जी, लेकिन जो 7 अक्टूबर को हुआ, आप प्रधानमंत्री का ट्वीट उठाकर देख लीजिए, आप उसे देख लीजिए, उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो आतंकवादी हमला हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं। आतंकवादी हमला, जो आतंकवादी हमला तो हमास की ओर से किया गया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ये बात सही है, हर बार कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। देखो इलेक्शन अब नजदीक आ रहे, सीए आ गया है, ठीक है, सीएए, ठीक है, वो तो आपको पता ही है क्या है क्योंकि इतना न्यूज वायरल हुआ तो उसको आप उसके रिलेटेड आप जानते ही होंगे, ऐसी आशा करते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास हर बार आप मीडिया में आप जाओ ना, डिबेट में देखो, तो वही जाति भांति भेदभाव धर्म, ये इन सारी बातों पे ही बातें करते हैं। मेरे को लग रहा है कि इन लोगों के पास अब देश के लिए बातें कब आएगी, देश में इकोनॉमी की बातें कब आएगी, एजुकेशन की बातें कब आएगी, ये नहीं समझ। लेकिन मुद्दा है ही नहीं अब देश के पास, उनके पास मतलब ये सब बातें करने के लिए कुछ है ही नहीं, ये सब तो ऐसे ही ग्रो हो रहे, तो वो कहां क्या बात करेंगे। मतलब मोदी जी ने इतना सब कुछ कर दिया है कि जो आवाम अब बोल रही है भाई हमें सब कुछ मिल चुका, मोस्ट ऑफ यही बोलते हैं ज्यादातर। हमने मीडिया में देखा जहाँ पे पब्लिक को जब क्वेश्चनिंग किया जाता है तब ज्यादातर पब्लिक यही बोलती है कि भाई हमको सब कुछ मिल चुका है, हमें अभी शांति है, मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है, यही बातें आपको सुनने को मिल रही है। तो अब कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, विरोध पक्ष की पार्टी, किसी के पास मुद्दा ही नहीं है कि हम क्या बोले आवाम को, राइट। और बाकी तो ये डिबेट थी, डिबेट में आरोप प्रति आरोप लगते रहते हैं, जो आरोप लगाते हैं तो प्रति आरोप जो होते हैं वो भी लगते हैं, आंसर भी मिलते हैं और थोड़ा बहुत आवाम को एंजॉय भी हो जाता है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट में लिखकर आप ये जरूर बताएगा, भूलिएगा मत। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई तो ले रहे, लेकिन मिलते हैं
और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद जय भारत।